हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिटवाइज ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म बिट बाई बिट ऑपरेशन ऑन द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेंड्स। दो वैल्यू के बीच बिट बाई बिट ऑपरेशन का कार्य करता है। जैसे कि इसमें बिट वाइज ऑपरेटर साइन, बिट वाइज एंड ऑपरेटर एंड साइन, बिट वाइज और ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर का साइन। यहाँ पे जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड साइन इस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसमें एंड लिख के और है तो और लिख के। लेकिन बट यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर्स है, यहाँ पे एंड का साइन एंड है, एक्सोर होता है। बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट का। बिट वाइज राइट शिफ्ट, इस तरीके से इसमें बिट वाइज ऑपरेटर पाइथन में होते हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से यूज किए जाते हैं। बिट वाइज एंड, एंड में जैसे कि मैंने एक टेबल बनाई, टेबल क्रिएट की, टेबल में ए लिख ए वैल्यू ली एंड दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं ए एंड बी। यहाँ पे हमने ए एंड ऑपरेटर का साइन लगा दिया यहाँ पे। देन इसमें क्या होता है, वैल्यू वन ली तो वहाँ पे वन, एंड बी ऑपरेंड में मैंने वैल्यू ली वन, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ट्रू। क्या होगी कंडीशन, ट्रू। ऐसे ही जीरो, जीरो मैंने लिया, यहाँ पे वन लिया, तो कंडीशन इज फॉल्स। जैसे कि मैंने लॉजिकल एंड, लॉजिकल और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ उस वीडियो में बेसिक से। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस वीडियो को देख लें। वन जीरो यहाँ पे फॉल्स होगा, एंड जीरो जीरो यहाँ भी फॉल्स होगा। सिर्फ एंड ऑपरेटर में कंडीशन एक हो, वन वन हो तभी कंडीशन टू होती है, अदरवाइज जीरो वन हो या वन जीरो हो या जीरो जीरो हो तो कंडीशन फॉल्स होती है। क्लियर। अब जैसे कि मैं ए इक्वल टू टेन, बी इक्वल टू ट्वेल्व, मैंने दो वैल्यू ली। इसमें क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर में हमने टेन का, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने ए इक्वल टू टेन 10 वैल्यू ली, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। पहले मुझे बाइनरी में पहले 10 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। जिन लोगों ने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है या जिन लोगों को नंबर सिस्टम नहीं मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नंबर सिस्टम की अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, इन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा उसमें। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, 10 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 को क्या होता है, 1010, ये क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाएगा। क्लियर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्ट होने के बाद अब हम इसको बी को कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे बी की बी में जो वैल्यू दे रखी है, जैसे कि बी को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू दे रखी है 12। तो 12 का बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, 1000, 1100, 12 क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, 1100। क्लियर। अब हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे इसमें किस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है, एंड में क्या दे रखा है, एंड में क्या दे रखा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए ए में क्या है 10, तो यहाँ पे जो ए वैल्यू दे रखा है, ए ऑपरेंट बना हुआ है, यहाँ पे 10 है, 10 का जो बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या है, 1010, वैल्यू क्या है 1100। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे 00, यहाँ पे वैल्यू देखेंगे 00 किसमें है, 00 किसमें है, 0 इसमें भी है और 0 इसमें है, तो 0 का आंसर क्या होता है 0। यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे 10 क्या है 1 एंड 0, तो क्या होता है फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा 0। 01 किसमें है, 01 का क्या होता है 0। क्लियर। 01 का 0 होता है। अब इसी तरह 11 का क्या होता है, 11 का क्या होता है ट्रू, यहाँ पे आएगा 1। क्लियर। तो यह आ गया यहाँ पे 100। तो ये क्या हो गया, इसने कन्वर्ट कर दिया, इसने 100। बिट वाइज ऑपरेटर को इस तरीके से वर्क करता है। आपको ये तो नहीं दिखेगा कंपाइलर में कि किस तरीके से वर्क करता है, आप वैल्यू डालोगे देन वो आंसर दे देगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें पहले क्या करते हैं, जब आप कॉपी में राइट करेंगे तो पहले एक ही वैल्यू लिखो, उसको 10 को कन्वर्ट करो बाइनरी नंबर सिस्टम में, बी को कन्वर्ट करो बाइनरी नंबर सिस्टम में, देन फिर इन दोनों के ऑपरेंड को चेक करो कि
जीरो जीरो में क्या होता है, जीरो होता है, वन जीरो में क्या होता है, जीरो होता है, जीरो वन में क्या होता है, जीरो होता है, वन वन में क्या होता है, वन होता है। अब जो भी आंसर आएगा, वन जीरो जीरो वन आया जो आंसर, अब वो क्या करेगा, कन्वर्ट करना फिर डेसिमल में, बाइनरी में नंबर जो आ गया, अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आंसर क्या आएगा, एट। तो आंसर क्या आएगा इसका, एट। अब देखते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में टेबल देखेंगे, टेबल किस तरीके से, ए वन वन है तो वन करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, जीरो वन है तो वन रिटर्न करेगा, वन जीरो है तो भी वन रिटर्न करेगा, जीरो जीरो होगा तब ये कंडीशन जीरो रिटर्न करेगा, बाकी सभी में कंडीशन वन वन टू टू रिटर्न करेगा। क्लियर? किस तरीके से एग्जांपल में देखते हैं, एच इक्वल टू टेन, बी इक्वल टू ट्वेल्व, एंड बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर इसके बाद यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे इसको, और ऑपरेटर ए और एंड बी, यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करेंगे दो ए एंड बी के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, ए जीरो जीरो किसमें है, जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो रिटर्न आएगा, ठीक है। अब इसके वन जीरो क्या है, वन जीरो में वन रिटर्न आएगा तो वहाँ वन कर दिया। तो जीरो वन क्या है, जीरो वन में वन आएगा, फिर इसके बाद वन वन में क्या आएगा, वन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसमें क्या कन्वर्ट करेगा किसमें, डेसिमल। अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, 40। क्लियर? अब देखते हैं बिटवाइज एक्स और, इसमें टेबल में किस तरीके से यूज करते हैं, यहाँ पे वन वन है, यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ पे वन वन कंडीशन है, दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, जीरो वन है तो वन रिटर्न करेगा, वन जीरो है तो यहाँ पे वन रिटर्न करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो जीरो रिटर्न। सिर्फ दो कंडीशन होंगे जिसमें ट्रू वन वन रिटर्न करेगा, जीरो वन है, एक कंडीशन जीरो है, एक कंडीशन वन है, तो एक कंडीशन वन है, एक कंडीशन जीरो है तो वन रिटर्न करेगा। क्लियर? एज इक्वल टू टेन, बीच इक्वल टू ट्वेल्व, हम ए एक्स और का साइन है, इसमें किस तरीके से सिर्फ प्लस सिक्स दबाएंगे तो एक्स और का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड बी के एक्स और का चेक करेंगे, यहाँ पे जीरो जीरो क्या आएगा, जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन 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 जीरो, क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, जीरो वन वन, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो वन वन जीरो किसका होता है डेसिमल, यहाँ पे सिक्स आंसर आएगा, सिक्स। क्लियर? अब देखते हैं हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे ए एंड कॉम्प्लीमेंट, इसमें एक ही कंडीशन होती है, यहाँ पे ए ए में बराबर, जैसे टेन दे दिया, बी बीस ट्वेंटी दे दिया, या ट्वेल्व दे दिया, इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स का रहता है, जैसे नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड कंडीशन ट्रू हुई तो फॉल्स है, फॉल्स हो गई तो ट्रू रिटर्न करता है। इसमें एज इक्वल टू 15 लिया मैंने, तो पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो मैंने 15 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, वन 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 आया, तो यहाँ पे कन्वर्ट किया। तो अब वैल्यू को चेक करेंगे इस तरीके से, ए में 15 में क्या है, वन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन दिया है तो जीरो आएगा, फिर वन दिया है तो जीरो आएगा, फिर वन दिया है तो जीरो आएगा, इन फोर में क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, रिटर्न करेगा जीरो, यहाँ भी जीरो रिटर्न करेगा, यहाँ भी जीरो करेगा, यहाँ भी, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, वन 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 वन, क्लियर। यहाँ पे क्या, वन वन जीरो जीरो, क्लियर हो गया। अब इसको हम, इसमें क्या होता है, जो वैल्यू है इसको कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगी तो यहाँ पे आंसर आएगा -16। क्या आएगा, -16, एंड डेसिमल संख्या आएगी जो 240, क्लियर, 240 आएगी, एंड -16 इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया? अब देखते हैं बिटवाइज शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। एज इक्वल टू 10, मैंने इसमें एज इक्वल टू 10 वैल्यू दी, फिर इसके बाद ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर में, तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे 1 0 1 0, क्लियर, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या होता है, इसमें लेफ्ट शिफ्ट, अब लेफ्ट शिफ्ट बोले यहाँ पे क्या है, वैल्यू को कन्वर्ट करेगा, जैसे कि वैल्यू है तो यहाँ पे क्या है, ए लेफ्ट शिफ्ट टू, यहाँ पे हमने क्या, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, लेफ्ट दो शिफ्ट करेंगे, मतलब दो वैल्यू को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा, जीरो यहाँ पे जाएगा, फिर ये जीरो यहाँ पे जाएगा, ये खाली हो जाएंगे दोनों। अब ये किसमें जाएगा, इसमें, फिर ये इसमें आएगा, फिर ये किसमें आएगा, इसमें आएगा, ये किसमें आएगा, इसमें आएगा, फिर इससे इसमें आएगा, देन इसमें इससे आएगा, ये दो ब्लॉक्स बचे तो इसमें क्या होगा, जीरो जीरो, क्लियर, इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उसमें, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे इस खाली चला जाएगा, ये भी खाली चला जाएगा, इसमें ये रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला संख्या यहाँ पे जीरो आ गई,
तो ये जीरो आ गया। अब यहाँ पे क्या है, जीरो यहाँ पे भी आ गया और वन वन यहाँ पे आ गया, जीरो वन आ गया, यहाँ पे जीरो वन आ गया, जीरो यहाँ पे, देन जीरो जीरो यहाँ पे, तो शिफ्ट। अब यहाँ पे क्या, दो वैल्यू को शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे संख्या क्या आएगी, जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो, क्लियर। अब देखते हैं बिट वाइज राइट शिफ्ट, इसी तरह ए इक्वल टू टेन लिया, देन वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे दो, यहाँ पे तीन दे सकते हैं, चार दे सकते हैं, जितनी शिफ्ट आपको शिफ्ट करना हो वैल्यू को, ठीक है। दो दिया यहाँ पे शिफ्ट हो गई दो वैल्यू, जैसे कि इसमें लेफ्ट था अब इसमें राइट, तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें ये यहाँ चला जाएगा खाली, ये भी चला जाएगा खाली, ठीक। तो यहाँ पे वन जीरो जीरो ये वैल्यू है जो वन जीरो ये खाली हो जाएंगी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या बचा, वन जीरो बचा तो जीरो आ जाएगा, वन बचा तो वन आ जाएगा, जीरो है वन जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न आ जाएगी। अब जो भी ब्लॉक्स बचे हैं यहाँ पे जीरो जीरो लिखते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जीरो जीरो वन जीरो, क्लियर। इस तरीके से हम पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। आप देखते हैं हम प्रैक्टिकली इसको यूज करके किस तरीके से पाइथन सेल को, अब पाइथन सेल ओपन होने के बाद हम इसमें प्रोग्राम को राइट करेंगे, एच इक्वल टू टेन, बी इक्वल टू ट्वेल्व एंड प्रिंट। पहले हम सबसे पहले एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे, ए एंड ऑपरेटर है शिफ्ट प्लस सेवन दबाएं तो एंड ऑपरेटर है साइन आ जाएगा, बी बी लिखेंगे एंड कंट्रोल एस करेंगे, एफ फाइव पर प्रेस करेंगे, तो आंसर इज क्या आएगा, एट, क्लियर हो गया। जैसे कि मैंने बताया था आंसर इज एट, क्लियर हो गया। जिस तरीके से मैंने बताया था कि पहले सबसे पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे कंपाइलर ये तो डिस्क्राइब नहीं करेगा किस तरीके से यूज किया, लेकिन बट आपको मैंने समझा दिया बेसिक तरीके से किस तरीके से हम कन्वर्ट, कॉपी में राइट करो, राइट करने के बाद उसमें चेक करो, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, बाइनरी में पहले कन्वर्ट करो, जैसे ए इक्वल टू टेन दिया, टेन को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखो, फिर बी को ट्वेल्व बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो, फिर उनको एंड ऑपरेटर से कन्वर्ट करो, जीरो वन है तो वन, या जीरो जीरो है तो जीरो रिटर्न करेगा, वन वन है तो वन रिटर्न करेगा एंड ऑपरेटर, इस तरीके से यूज करके फिर देन आंसर आएगा, क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, साइन को चेंज किए दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे हम और ऑपरेटर का कंट्रोल एस करेंगे, एफ फाइव करेंगे, यहाँ पे आंसर इज 49, क्लियर हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 14। तो इस तरीके से कन्वर्ट होता है इसमें बिट वाइज और ऑपरेटर में। अब हम देखते हैं XOR, XOR ऑपरेटर का साइन, यहाँ पे शिफ्ट प्लस सिक्स दबाएंगे तो XOR का साइन लग जाएगा, क्लियर। कंट्रोल एस करेंगे, एफ फाइव करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 6, क्लियर हो गया। जैसे कि मैंने बताया था इसमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट, फिर डेसिमल, क्लियर, यहाँ पे आंसर आ गया 6। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट का किस तरीके से यूज करते हैं, तो सब पहले हम वैल्यू को चेंज करेंगे, यहाँ पे हमें एक वैल्यू होती है इसमें, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 15 दिया, 15 देने के बाद यहाँ पे मैं इसको चेंज किए दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट साइन इस जगह पे होता है, कॉम्प्लीमेंट कीबोर्ड में टैब के जस्ट ऊपर साइड में शिफ्ट के साथ दबाएंगे उस की को, तो कॉम्प्लीमेंट साइन आ जाएगा, देन ए लिखेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, F5 करेंगे, देन रन करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, -16। अब हम देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर किस तरीके से यूज करते हैं, पहले हम वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू मैंने चेंज किया, यहाँ पे 10 लिया, देन टू शिफ्ट मुझे लेफ्ट करना है, दो वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे टू लिखूंगा, कंट्रोल एस करूँगा, F5 करूँगा, आंसर इज 14, क्लियर हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 14, क्यों। अब इसमें आंसर किस तरीके से आता है, जैसे कि वो 10 में कन्वर्ट करेगा वैल्यू को, इसमें बाइनरी में, बाइनरी जो भी नंबर आएगा फिर वो डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, तो आंसर आएगा 14, क्लियर। अब हम देखते हैं राइट से, तो कंट्रोल एस करेंगे, F5 करेंगे, देन आंसर इज 2, क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो बिट वाइज ऑपरेटर, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू।